क्लैफ लिप और क्लैफ पैलेट सर्जरी के बाद 3 से 4 हफ्ता ये ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे को फेस के ऊपर या तो पैलेट के अंदर कोई भी तरह से इंजरी ना हो। नॉर्मली पेरेंट्स ये पूरा ध्यान देते हैं और बच्चे के ऊपर 24 आवर्स वॉच रखते हैं कि बच्चे को कोई इंजरी ना हो, बच्चे को उठाते समय, बच्चे खेलते हैं वो समय पे, या तो बच्चे को सुलाते समय। बट रेयर केस में ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स का ध्यान ज़रा सा हटने के ऊपर या तो बच्चे का रात को सोने समय गलती से बच्चे मुंह के ऊपर हाथ मार लेते हैं या तो पैलेट के अंदर उंगली डाल देते हैं। क्लैफ लिप की सर्जरी के बाद अगर बच्चे का हाथ स्टिचेस के ऊपर लग जाता है तो लिप के स्टिचेस ओपन हो जाने के और लिप का रिजल्ट ख़राब होने के और लिप के ऊपर बुरा स्कार आने के चांसेस रहते हैं। अगर बच्चा गलती से मुंह के अंदर उंगली डाल लेता है तो पैलेट के स्टिचेस खुल जाते हैं और पैलेट में हॉल बनने के चांसेस रहते हैं। ऐसे केसेस में हमको बच्चे का वापस सर्जरी करना पड़ता है अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम हमारे सेंटर पे आर्म स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। ये आर्म स्प्लिंट सॉफ्ट रहती है, कहीं पे भी उसके शार्प एजेस नहीं है और इसको वेलक्रो से फिक्स किया जाता है। इस आर्म स्प्लिंट को बच्चे के मुड़ने वाली सरफेस पे फिक्स किया जाता है और वेलक्रो से उसको टाइट किया जाता है। ये आर्म स्प्लिंट इतना टाइट नहीं रहता है, नॉर्मली ये लूज़ रहता है ताकि हाथों का ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और बच्चे का थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट भी हो सकता है। इस आर्म स्प्लिंट से बच्चे का हाथ पूरा नहीं मुड़ता है ताकि हाथ फेस तक या तो पैलेट तक नहीं पहुंचता है, जिससे ये इंजरी प्रिवेंट होती है। हम हमारे सेंटर में आर्म स्प्लिंट का यूज़ 3 से 4 हफ्ते तक रेकमेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।